हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चों आज हम सीखेंगे डक की स्पेलिंग DUCK डक। डक मीन्स बतख। दिस इज पिक्चर ऑफ, ये किसकी पिक्चर है बच्चों? डक। डक की किसकी है? डक। और डक मीन्स बतख। डक मीन्स क्या होता है? बतख, बतख। तो सबसे पहले बच्चों आपको एप्पल, APPL एप्पल, BOY बॉय एंड BALL बॉल, CAT कैट, ये थ्री लेटर्स की स्पेलिंग आप लर्न कर चुके हो। आज मैं आपको डक, DUCK डक, डक मीन्स बतख, इसकी स्पेलिंग राइट करूँगा और उसे अपनी कॉपी में आपको लिखना है। चलिए बच्चों आप अपनी फोर लाइन की कॉपी, ओपन द फोर लाइन नोटबुक, फोर लाइन की नोटबुक निकालिए। निकालिए बच्चों फोर लाइन की नोटबुक। सबसे पहले थ्री लेटर्स में डी लिखेंगे। कितने लेटर्स में? थ्री। ये वन लाइन, थ्री लाइन, वन टू एंड थ्री, ये थ्री लाइन्स हैं, इसमें आपको डी लिखना है। पहले आप पॉइंट बनाए, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड इज सेकेंड पॉइंट, टू पॉइंट है ये आपके पॉइंट, मैक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन बनाइए, ओके, देन टच दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये क्या है? डी। ये कौन सा लेटर बना बच्चों? डी। वन पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, टू पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन, टच टू पॉइंट, ये आपका डी बन गया। डी फॉर डक। लिखिए बच्चों डी, लिखिए पॉइंट बनाइए, वन टू, स्ट्रेट लाइन, डी, वन टू, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये आपका डी है। पूरे पेज पे डी बने हैं बच्चों। डी बने हैं बच्चों। स्ट्रेट लाइन बने हैं पहले, अब डी बने, स्ट्रेट लाइन, डी, स्ट्रेट लाइन, टू पॉइंट टच। ये आपका कौन सा लेटर है? डी लेटर है। कौन सा? डी। अब आपको यू बनाना है। यू कैसे बनाएंगे? वन टू थ्री फोर, फोर पॉइंट बनाए, स्ट्रेट लाइन खींचिए, फर्स्ट एंड ए सेकेंड, नाउ टच यू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये आपका यू है। बने बच्चों यू बने, वन टू थर्ड फोर, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन, ये हो गया यू, वन टू थ्री फोर, दिस इज फर्स्ट
then second यू लेटर, ये आपके यू लेटर बन गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, ये आपकी स्ट्रेट लाइन सेकेंड, ये आपका यू लेटर बन गया। यू बनाइए अपनी कॉपी में, वेरी सिंपल है। ये आपका यू थ्री लाइन्स में स्ट्रेट लाइन बन गया, थोड़ा सा राउंड लेके यू बन जाएगा। तो बच्चों ये आपका कौन सा लेटर है? यू। लिखिए यू को। अब बी यू सी, अब हम लिखेंगे सी। ये वन पॉइंट, टू पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टच, वन टू, ये वन, ये टू, ये आपका वन, ये आपका टू, सी, ये वन टू, ये आपका सी बन गया, वन एंड टू, ये आपका सी, ये वन, ये टू, सी, वन टू, ये आपका शी। कौन सा लेटर है? सी, शी फॉर कैट। डी यू सी, अब आपको बनाना है के। क्या बनाना है? के, के भी थ्री लाइन्स में, वन टू थ्री, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये वन टू थ्री, ये टू पॉइंट, ये आपकी वन टू थ्री, ये आपके टू पॉइंट। डी यू सी के, डक, डक मीन्स बतख। पूरे पेज पे डक की स्पेलिंग लिखे बच्चों। स्ट्रेट लाइन, ये आपके टू पॉइंट्स, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है, वन टू थ्री, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये आपके टू पॉइंट्स के, वन टू थ्री स्ट्रेट लाइन्स, ये टू पॉइंट्स के लेटर, वन टू थ्री, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये आपके टू पॉइंट्स, ये आपका के, वन टू थ्री, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, देन दिस इज योर टू पॉइंट्स, दिस इज योर के। तो बच्चों इस प्रकार से आपने डी यू सी के, डक, डक मीन्स बतख, बतख की स्पेलिंग आपने सीखी है। सारे बच्चे इस स्पेलिंग को अपनी फोर लाइन की नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। डी यू सी और के, ये फोर लेटर्स जो हैं ये थ्री लाइन्स में लिखे गए हैं। ये लाइन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन थ्री लाइन्स में आपको के लिखना है, सी लिखना है, यू लिखना है, डी लिखना है। इस प्रकार से जब आप लिखोगे
तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और आपको अच्छी तरह से लर्न होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल लेटर्स इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। तो इस प्रकार से आपने अभी फोर लेटर्स सीखे, एप्पल, बॉल, कैट एंड डक, एंड डक। लिखिए बच्चों स्पेलिंग, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये आपकी शी फॉर कैट की स्पेलिंग आपने लिखी थी। इस प्रकार से आप कैट की स्पेलिंग लिखिए, सी ए टी, सी ए टी, टू बार, इसमें टू बार कैट्स लिखा है। ये देखिए सी ए, ये आपका सी ए टी, सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ये देखिए ये आपकी बिल्ली है, दिस इज योर कैट, ये आपकी कैट है, ये आपकी कैट का पिक्चर है, ये कैट की पूरी स्पेलिंग है। ये है, ये आपका सी, ये ए और ये टी, ये हो गया सी ए टी, सी ए टी, सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ये स्पेलिंग भी लर्न कीजिए। ये देखिए बच्चों आपकी बॉल की स्पेलिंग, बी ए डबल एल, बॉल, बॉल मीन्स गेंद। लिखिए बॉल की स्पेलिंग भी आपने अपनी फोर लाइन की नोटबुक में लिखी है, बी ए डबल एल, बी ए डबल एल, बी ए डबल एल, बॉल। इसमें भी जो लेटर्स हैं वो थ्री स्टार्टिंग की थ्री लाइन्स में ही लिखे गए हैं। और ये है आपका हेल्थी फ्रूट्स का नेम, एप्पल, दिस इज पिक्चर ऑफ एप्पल, ये आपके एप्पल का पिक है और ये आपके एप्पल की स्पेलिंग है, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल मीन्स शेव। तो इस प्रकार से बच्चों आपने एप्पल, आपने बी ए डबल एल, बॉल, बॉल मीन्स गेंद, और उसके बाद फिर आपने लर्न किए सी ए टी, कैट, कैट मीन्स ये बिल्ली, सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। और अभी जो आप स्पेलिंग लर्न कर रहे हैं वो है आपकी डी यू सी के, डक, डक मीन्स बतख। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ए डबल पी एल एप्पल, बी ए डबल एल बॉल, सी ए टी कैट, डी यू सी के डक, ये फोर स्पेलिंग आपने लर्न की है। और आपको फोर स्पेलिंग के फोर पेज जो हैं आप ऑलरेडी अपनी नोटबुक में लिख चुके होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल वर्क इन योर नोटबुक, स्टे इन होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी, डू योर वर्क। पेरेंट्स बच्चों को वर्क चेक करें और उन्हें वर्क करने को सजेशन दें। ओके, स्टे इन होम, लिव हैप एंड लिव हैप्पी।